अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज इंग्लिश के पीरियड में हम लोग ये देखने वाले हैं। आप लोग इंग्लिश की बुक निकालिए, इस तरह से आप लोगों की बाल भारती की बुक, और आप लोग ये निकालेंगे पेज नंबर 46। आप लोग पेज नंबर 46 निकालेंगे। आज हमको ये स्टोरी देखना है, ये लेसन देखना है। तो इसमें नंबर 3, अ सरप्राइज फॉर ग्रैंडमा। आप लोग मेरे साथ साथ पढ़ेंगे, गौर से पहले तो लिसन करेंगे, सुनेंगे और आप लोगों को पढ़ना है। तो लिसन, रीड एंड इनेक्ट। आप लोगों को सुनना है, रीड करना है और इनेक्ट करना है। संडे इज अ हॉलीडे। आप लोग मेरे बाद ही बात पढ़ेंगे। सोहन एंड स्वीटी आर गोइंग टू विजिट ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा। यानी संडे जो हॉलीडे का दिन है, तो सोहन और स्वीटी दो भाई बहन हैं, वो जा रहे हैं गोइंग टू विजिट ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा, यानी अपने दादा दादी से मिलने के लिए जा रहे हैं। वहाँ पर जाकर उन्होंने क्या किया, हेलो ग्रैंडमा, हेलो ग्रैंडपा, इसने कहा। कौन ने? सोहन ने। ठीक है। ग्रैंडमा हैज़ बीन बिजी टुडे, शी हैज़ क्लीन्ड ऑल द रूम्स, शी हैज़ वाइप्ड ऑल द विंडोज। यानी ग्रैंडमा उनकी बिजी थी आज, वो क्या कर रही थी, क्लीन्ड ऑल द रूम्स, वो अपने सारे रूम क्लीन कर रही थी। शी हैज़ वाइप्ड ऑल द विंडोज, और अपनी सारी खिड़कियाँ पोंछ रही थी। विंडोज, रूम्स, आप लोग ये अंडरलाइन कीजिए वर्ड्स को और बाद में आप लोगों को उसको लिखना है। रूम्स, विंडोज। आर यू टायर्ड ग्रैंडमा, लेट्स गिव ग्रैंडमा अ रेस्ट टुडे, जस्ट सिट एंड हैव अ रेस्ट। सोहन बोल रहा है कि आप थक गई होंगी ग्रैंडमा, आप आज आराम कीजिए और एक जगह बैठिए और आराम कीजिए। उसके बाद देखिए, कम ऑन सोहन, कम ऑन स्वीटी। ग्रैंडपा, सोहन एंड स्वीटी वर्क इन द किचन, दे आर बिजी। तो ग्रैंडपा ने क्या किया, सोहन को, स्वीटी को लेकर गए किचन में और वहाँ पर वो लोग बिजी हो गए। अब उसके बाद देखिए नीचे आइए, ये ग्रैंडपा है और ये ग्रैंडमा है, ये सोहन है और ये स्वीटी है। कम टू द किचन ग्रैंडमा, कम एंड सी। जब उन लोगों ने किचन को पूरा क्लीन कर लिया, तो उन लोगों ने क्या किया, अपनी ग्रैंडमा को बुलाया कि कम टू द किचन ग्रैंडमा, कम एंड सी, देखो आप आइए किचन में और देखिए। अब देखिए यहाँ पर लोग सब लोग बैठ गए हैं। ओह, सूप, सैंडविचेस एंड सलाद, व्हाट अ ट्रीट। ग्रैंडमा, डू यू लाइक बनाना डिलाइट। ओह, आई लव इट। यानी लोग डिनर करने के लिए बैठे हैं, तो वहाँ पर क्या क्या है, सूप है, सैंडविचेस है और सलाद है। तो वो बोल रहा है व्हाट अ ट्रीट, यानी क्या ट्रीट मिला हम लोगों को। ग्रैंडमा, डू यू लाइक बनाना डिलाइट। तो वो पूछ रहा है कि आपको बनाना डिलाइट पसंद है क्या। तो ग्रैंडमा बोल रही है ओह, आई लव इट। तो इन लोगों ने क्या किया, किचन में सब काम करके ग्रैंडमा को सरप्राइज किया और ग्रैंडमा को ट्रीट दिया। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, सामने के पेज नंबर 47 पे। एंड नाउ देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू ग्रैंडमा, ओपन दिस पार्सल। फिर लोगों ने क्या किया, अपनी ग्रैंडमा को एक सरप्राइज दिए, पार्सल दिए और कहा उसको ओपन कीजिए। ओह, अ मोबाइल फ़ोन, व्हाट अ सरप्राइज। तो उसमें से क्या निकला, बॉक्स में से एक मोबाइल फ़ोन निकला। तो वो ग्रैंडमा बहुत खुश हो गई और उन्होंने कहा कि व्हाट अ सरप्राइज, मोबाइल फ़ोन मिला मुझे। बट ग्रैंडमा, नो बट्स, नाउ आई नो योर प्रॉब्लम, यू डोंट नो हाउ टू यूज़ दिस, बट डोंट वरी, वी विल ऑल हेल्प यू। तो ग्रैंडमा ने कहा अरे मोबाइल फ़ोन दिया आप लोगों ने मुझे, लेकिन मुझे तो मोबाइल फ़ोन यूज़ करना नहीं आता। तो इसलिए वो बच्चों ने उनसे कहा, स्वीटी ने और सोहन ने, कि आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको सब कुछ सिखा देंगे। तो ये हमने आज ये सरप्राइज़ फॉर ग्रैंडमा, यानी इन लोगों ने अपनी ग्रैंडमा को यह ट्रीट दिए, यहाँ पर सरप्राइज़ किए और यहाँ मोबाइल फ़ोन देख के ग्रैंडमा को सरप्राइज़ किए। तो इस तरह से हमने ये स्टोरी देखी, आप लोग भी इसको पढ़ेंगे। और उसके बाद यहाँ पर देखिए आप लोगों को जो ये वर्ड्स दिए गए हैं बॉक्स में, ये आप लोगों को पढ़ना है और ये इसको आपको कॉपी में लिखना है। तो लुक एंड से, तो आप लोग पढ़ेंगे इसको, हैज़ बीन, व्हाट, डिड, फॉर, टुडे, अस, हेयर, शी, वी, हाउ, प्लीज। तो इतना आप लोगों को करना है। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये हम बाद में देखेंगे। तो आप लोगों ने ये लेसन पढ़ा आज, आप उसको पढ़ेंगे अच्छी तरह से। थैंक यू।